लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने वाले मामले में टीएमसी सांसद मोआ मोइत्रा को संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की। गुरुवार यानी कि 9 नवंबर को समिति की बैठक में 6-4 से ये प्रस्ताव पारित हुआ। समिति की अनुशंसा को टीएमसी सांसद ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक कंगारू अदालत की तरफ से पहले से फिक्स मैच करार दिया। मोआ ने कहा कि ये भारत में लोकतंत्र की मौत है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में आगे क्या हो सकता है, मोआ के पास अब क्या रास्ते हैं। सूत्रों का कहना है कि 479 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मतदान होगा। इस मामले में एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने कहा है कि समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने का समर्थन किया और 4 ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट का विरोध करने वाले विपक्षी सांसदों ने समिति की अनुशंसा को पूर्वाग्रह से युक्त और गलत बताया। अब चलिए समझते हैं कि आगे कौन कौन से रास्ते मोआ के सामने खुले हैं। लोकसभा एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी जाएगी। स्पीकर इसे प्रकाशित करने का आदेश दे सकता है। नियम के मुताबिक कमेटी अध्यक्ष संसद के अगले सत्र के दौरान रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। इसके बाद सदन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर बहस करेगा। बहस के बाद सरकार सदस्य के निष्कासन पर वोटिंग के लिए प्रस्ताव ला सकती है। अगर पक्ष में वोट दिया गया तो सदस्य को सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा और इस केस में मोआ इस फैसले को अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। बता दें, इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक शिकायत भिजवाई थी। अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीना नंदानी के इशारे पर सदन में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक सबसे पहले 26 अक्टूबर को हुई थी। समिति ने निशिकांत दुबे और उनके वकील देहाद्रई का पक्ष जाना था। इसके बाद 2 नवंबर को मोआ मोइत्रा समिति के समक्ष उपस्थित हुई थी। एथिक्स कमेटी के 5 विपक्षी सदस्यों ने अपने असहमति नोट दिया है। इसमें उन लोगों ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई है। सदस्यों का कहना है कि इससे आने वाले समय में एक खतरनाक परिपाटी कायम होगी। समिति में शामिल एन उत्तम कुमार रेड्डी और वी वैथिलिंगम, बसपा के दानिश अली, जनता दल यूनाइटेड के गिरधारी यादव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केपी नटराजन ने असहमति के नोट दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।